खबर सरगुजा जिले के अंबिकापुर से है, जहां शहर में से लगे ग्राम भकूरा में बम के मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल सोमवार की देर शाम ग्राम भकूरा मेन रोड के किनारे जिंदा सिग्नल पैरा बम मिलने की सूचना ग्रामीणों ने कोतवाली पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। लिहाजा कोतवाली पुलिस की टीम इस बात की सूचना मिलते ही बम स्क्वाड के साथ रवाना हुई। मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस ने जंग लगे जिंदा सिग्नल पैरा बम का मुआयना कर सभी सुरक्षा मापदंडों के बीच बम को निष्क्रिय कर दिया। इधर पुलिस के आला अधिकारी ने बताया कि इस बम का नाम सिग्नल पैरा बम है, जिसका उपयोग सेना और सीआरपीएफ के जवानों द्वारा सिग्नल देने या फिर रोशनी फैलाने के उद्देश्य से किया जाता है। हालांकि यह बम यहाँ कैसे पहुंचा, इसकी जाँच की जा रही है। कल थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भाकुरा नर्मदा पारा के पास शाम को 4 बजे एक ग्रामीणों के माध्यम से सूचना मिली कि एक बम जैसी कोई वस्तु जो है वो पड़ी हुई है संदिग्ध हालत में। तत्काल जो है वहाँ पर BTS की टीम और पुलिस के अधिकारी जो है वहाँ पर पहुँचे और ये देखा कि ये एक प्रकार का जो है सिग्नल बम, जो पैरा बम ही है, वो वहाँ पर जो है पुराना जंग लगे हालत में जो है पड़ा हुआ था, जिसे BTS की टीम के द्वारा जितने भी सुरक्षा मापदंड था उनका पालन करते हुए उसको डिस्पोज किया गया है। चूँकि ये जो लोकेशन जहाँ पर यह बम था वहाँ से CRPF कैंप की दूरी करीबन 5-6 किलोमीटर है, और ये बम कहाँ से आया, कैसे आया, इसके संबंध में जो है विस्तृत जाँच इसमें की जा रही है।